गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी ट्रैवलर। भाई ये बताओ पहला पार्ट कैसा लगा, और दूसरी बात ये बताओ कि ये टनल कैसी लगी। भाई क्या गजब टनल थी, मतलब हंसते ही मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया अंदर देखा तो, ये मतलब फील आ रही थी, मज़ा फील, मतलब मस्ती मज़ा आ रहा था। बस एक चीज़ की कमी लग रही थी, जो ये लग रहा था कि मतलब पहाड़ों वाली फील थोड़ी कम आ रही थी, ऐसा लग रहा था कहीं सिटी में कहीं हाईवे पे घूम रहे हैं। ये ऐसी टूटी फूटी टनल है, ये लाइट वाइट कुछ नहीं है। आप लोगों ने सुनी होगी ना, एक वो कहावत होती है, बोला हर रात के बाद एक सुबह होती है, एक सुबह के बाद एक फिर एक रात आती है, तो ये उसी का एक उदाहरण देख लो आप कि थोड़ी देर पहले जिस टनल से हम क्रॉस होके आए वो कितनी ज़बरदस्त, कितनी क्लासी थी, कितनी मस्त थी। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, तो होता है कि ये भी वैसे ही, लेकिन अभी हाँ अभी थोड़ा इसको देख के अच्छी फील नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कहीं गिर विर ना जाए पीछे, क्योंकि कच्ची है, थोड़ी कच्ची सी लग रही है ना। बाकी चलो धीरे धीरे चलते हैं, हम तेज नहीं चला सकते, तेज़ तो कहीं भी नहीं चलानी चाहिए। चलो धीरे धीरे चलते हैं और क्रॉस करते हैं टनल को। तो गाइस फाइनली हमने टनल को पार कर लिया यार, बहुत लंबी टनल थी, और बाहर निकलते ही भाई देखो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। पहाड़ों की अलग ही वाइब होती है ना, पहाड़ों को देखते ही अलग ही मज़ा आने लग जाता है, फील ही अलग आती है पहाड़ों को देखते ही। तो अभी बर्फ़ नहीं दिख रही है यहाँ से, लेकिन पहाड़ तो दिखने शुरू हो गए हैं गाइस, और इससे आगे और मज़ा ही आने वाला है। तो गाइस हम लोग अभी जस्ट पहुंचने ही वाले हैं मनाली थोड़ी देर में। फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं भुंतर जो एयरपोर्ट है, जो पे मनाली पर भुंतर एयरपोर्ट, अभी हम वो भुंतर वाला एरिया क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ से हार्डली एक घंटा लगेगा, एक घंटा क्या ज़्यादा भी लग सकता है भाई, मतलब धीरे हम रुकते रुकाते चल रहे हैं, अब जहाँ मन कर रहा है वहीं रुक जा रहे हैं, जहाँ मन कर रहा है वहीं रुक जा रहे हैं। और अभी जस्ट आने वाला ही है थोड़ी देर में मनाली, उससे पहले कुल्लू आएगा तो वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं थोड़ी देर रुक के। बाकी यहाँ से रोड ज़बरदस्त है, मतलब रोड लगभग पूरा ही अच्छा मिला मनाली वाले रुकते में, मतलब जहाँ से हमने चलना शुरू किया था, कहीं कहीं बीच में थोड़ा बहुत रोड ख़राब मिला था, भाई रोड तो पूरा इतना बढ़िया था ना रोड, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब रोड की कोई समस्या हो, पूरी जगह रोड ए बन था। आप देख ही रहे हो रोड, आपको दिख ही रहा होगा कि इतना मस्त रोड है, मतलब ज़बरदस्त रोड है भाई। मनाली आ रहे तो आराम से बेझिझक आ जाओ, रोड की कोई टेंशन। तो गाइस टाइम हो गया है, बज गए शाम के 2:30, और अभी हम पहुँच गए हैं कुल्लू, और ये है ब्यास नदी, इसके बगल में अभी हम खड़े हैं। तो यहाँ पे हमने सोचा चलो एक बार आपको कुल्लू शहर का नज़ारा दिखा देते हैं, थोड़ा सा नदी का नज़ारा दिखा देते हैं। नदी का शोर जो है बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा प्यारा आ रहा था। तो सर्दी है इसलिए थोड़ा पानी इसमें कम है, बाकी नदी तो ये आप जानते हो कि इस नदी ने यार कुछ दिन पहले मनाली में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, और नेचुरल क्लाइमेटीज हैं ये, तो अब इस पर किसी का जोर चलता नहीं है ना, अच्छा खासा शहर जो है वो कर दिया था। और आगे जो आपको ब्रिज दिख रहा है, वो ब्रिज जो है वो जा रहा है कुल्लू के लिए, उस पर भी चल के थोड़ा बहुत करेंगे वीडियो शूट। और ये देखिए मनाली 40 किलोमीटर के अलॉन्ग 110 और ले 466, तो फिलहाल तो ले का कोई प्लान है नहीं, बट जब भी कभी जाएंगे तो जल्दी कोशिश करेंगे कि ले जाएँ। तो गाइस ये वो ब्रिज है जो थोड़ी देर पहले आपको दिख रहा था दूर से, अभी हम उसी ब्रिज के ऊपर है। इस ब्रिज का नाम है भूतनाथ ब्रिज, ये जाता है कुल्लू के अंदर। चलो हम आपको लेके चलते हैं कुल्लू के अंदर, बट हम कुल्लू में जाएंगे नहीं, हम जस्ट थोड़ा सा जाके और ऐसे ही बस वापस आ जाएंगे, क्योंकि कुल्लू में हिस्टोरिकल चीज़ें हैं तो वो भी देखने का मन नहीं है, अभी सिर्फ देखने का मन है बर्फ बर्फ और बर्फ, सिर्फ बर्फ अंदर ही, सिर्फ पूरा का पूरा मन है बर्फ पे जाके मस्ती करने का। तो भूतनाथ ब्रिज पे घूम लिए भाई, अब यहाँ से चलते हैं सीधा मनाली, क्योंकि अभी हमें जाके लेना है रूम और करना है रेस्ट, क्योंकि हमने रूम भी नहीं ले रखा, अभी जाके रूम भी ढूंढना पड़ेगा तो उसमें भी टाइम लगेगा, तो चलो चलते हैं। गाइस फाइनली कितने बज गए टाइम, तो गाइस सुबह 6:30 के चले हुए और 4:30 शाम के भी हम पहुंचे हैं, 10 घंटे हो गए ना, 10 घंटे हो गए, 6 घंटे की जर्नी थी टोटल जो गूगल मैप ने दिखाई थी, और हमने 10 घंटे लगा दिए उसमें। एक्चुअली हम फुल मतलब तो रुकते रुकाते आए हैं, कहीं हमने जल्दी नहीं मचाई कि जल्दी करी हो या कुछ कराओ, और अभी हम अपने होटल में पहुँच गए हैं। ये है अपना होटल, आपको होटल दिखाता हूँ मैं, ये तो बाहर से व्यू है होटल का, और इधर स्नो है देखो, और देखो ऊपर बर्फ गिरी हुई है, और इधर भी बर्फ गिरी हुई है, ये देखो इधर कितनी ज़्यादा बर्फ गिरी हुई है। और कल का एक्सपेक्टेड भी बता रहे हैं कि कल शायद यहाँ पे स्नोफॉल होगा। और अभी आपको मैं अपना होटल दिखाता हूँ अंदर से, ये देखो इसने आते गंदगी मचानी शुरू कर दी है, क्या क्या यहाँ पे सब फेंक दिया इसने गंदे तरीके से। ये है बेड,
ये है तकिया, ये है अपना बैग इधर रखा हुआ, ये है टेलीफोन, ये लाइट है दो, जलती नहीं जलती पता नहीं। इधर एक छोटा सा ऑस्कर है, ऑस्कर अवार्ड वाला नहीं है, ये वाला ऑस्कर है। और ये भाई पर्दे लगे हुए, मैंने खोले हैं अभी। और ये है सोफा, ये है पैग लगाने के लिए ग्लास शीशे के, ये है वार्डरोब, और वार्डरोब में रखी हुई रिजाई उन्होंने, ताकि अगर रात को जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी, किसी में कोई शक की बात नहीं कि नहीं पड़ेगी। और इधर है ये जिसमें आपको मैं दिख रहा हूँ अभी, और फाइनली ये है बाथरूम। बाथरूम थोड़ा लग्जरी लग रहा है ना, तो भाई ये है अपना रूम जहाँ पे आज अपना स्टे होने वाला है इन मनाले। तो अभी बस कुछ नहीं करना, अभी ये सब थोड़ा सा सही करके, थोड़ा सही सा होके, और फिर निकलेंगे भोजन करने के लिए मॉल रोड, कुछ खाएंगे पिएंगे और आके सो जाएंगे। भाई जबरदस्त थके हुए, 10 घंटे की राइड करके आ रखे, मतलब रखिए फिर क्या। ये देखो शिवास किंग फिशर, ये मॉल रोड में जैसे मैंने कैमरा उनके सामने मेरे को यही दिखाया, देखो तो फिलहाल भाई मनाली मॉल रोड भ्रमण चल रहा है, जैसे कैमरा ऑन किया, देखो क्या चीज़ दिखी है सामने, मुझे नहीं दिखी, इसे दिखी है, बेवड़ा कहीं का। कुछ अभी तो पान तो खाया हमने और चाय पी ली, यहाँ कुछ देखते हैं, काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं। तो ये है मनाली का मॉल रोड जहाँ पे अभी हम घूम रहे थे, और यहाँ पे अभी मेरे को घूमते घूमते नज़र पड़ी मेरी कहाँ पे, इस पे शान ए हरियाणा, ये देखो इधर खड़ी है, ये हरियाणा राज्य परिवहन, ये है शान ए हरियाणा। तो मॉल रोड पे भी अपनी खड़ी है, आ रहे हैं अभी मॉल रोड से, आ रहे खाना खा के पार करके जा रहे हैं ब्यास नदी। आवाज सुनो नदी की, क्या मतलब नदी का शोर, नहीं दिखाना दिन में दिखेगी नदी अच्छे से, लेकिन सर्दी तो लग रही है भाई, इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन जितना मतलब एक्सपेक्टेड था ना, मुझे लग रहा था कि मनाली में सर्दी होगी, इतनी सर्दी नहीं है। चलो तो गाइस आज का भ्रमण गया हो, अभी पूरा घूम फिर के थक गए, मॉल रोड जाके खा पी के पेट भर के आ गए अभी रूम से, और देखो रात का मनाली व्यू मेरे रूम के बालकनी से, ये भाई मेरे रूम से ऐसी ऐसी मनाली नज़र आ रही है, रख दीजिए भैया थैंक यू। तो ये भाई रूम से नज़र आ रहा है, इधर तो है अंधेरा, बाकी जो रौनका शौनका है वो इतने लगी हैं, और ऊपर देखो स्नो नज़र नहीं आ रही इसमें, लेकिन वैसे है। और सबसे मज़े की बात है ना, इधर तक बालकनी है मतलब यहाँ तक, और इधर चांद भी है ऊपर देखो भाई चांद। तो गाइस वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बता दें, लाइक करना, और मिलते हैं चलो अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।